वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फेथ के ऊपर जो है वो बोन मैरो के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे, और बल्कि एक फ़ख्र सा महसूस होता है कि जब माशाल्लाह से इतने लोग वहाँ पे मौजूद हो गए हैं कि जिन्होंने बोन मैरो करा लिया है या फिर बोन मैरो कराने जा रहे हैं या कराने वाले हैं। तो अब ये होता है कि माशाल्लाह से वहाँ बहुत लोग जो है रहनुमाई कर देते हैं, और इस दरमियान में बींग अ पेशेंट और फिर एडमिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है कि हम आपको सही मालूमात दें और सही मालूमात आप तक पहुंचाएं। अगर नहीं कोई चीज़ मालूम तो हम अपने डॉक्टर्स या हम दूसरे लोगों से पूछ के आप तक ये बात पहुंचाएं, या फिर हम अगर हमें ना मालूम हो तो एटलीस्ट हम आपको कोई मिसलीडिंग या कोई गलत बात आप तक ना पहुँचाएँ। और फिर कि जब हम खुद जब मैं खुद एक पेशेंट हूँ तो काफ़ी सारे सवालात जो है वो पैदा हो जाते हैं कि आप क्या लेती हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट करवाती हैं, आपने बोन मैरो क्यों नहीं करवाया। तो लेटेस्ट ये मेरे पास सवाल आया था, और माँ बाप की तरफ से आना एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि मैंने क्यों नहीं करवाया या हमने क्यों नहीं करवाया। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको जवाब दूंगी, और काफ़ी सारे लोग इस बात को इस बात से लिंक कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या उसमें कोई रिस्क है या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैंने नहीं करवाया। तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप तक ये बात बिल्कुल सही बताऊं कि ये 98 की बात है। आज माशाल्लाह मैं 33 साल की हूँ, और 98 में मैं ऑलमोस्ट 10-11 साल की थी। तो 10-11 साल में जब हमें पता चला हमारे बड़े भाई का इंतकाल हुआ 98 में, और उस टाइम पे हमें पता चला कि इंडिया में शहर है चेन्नई मद्रास, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में बोन मैरो हो रहा है। और हमारे पाकिस्तान से जो है वो कुछ वहाँ पे गए हुए थे लोग, और उनका माशाल्लाह से कामयाब बोन मैरो हुआ था। अब ये हमें पता चला हमें अपने भाई के इंतकाल पे, अब वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि जो फादर है उन्होंने सारी मालूमात लेना शुरू की, मामू ने जो है वो इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर ईश्वर से कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की, और ये सिलसिला चला 98 से 99 तक। 99 में हमें HLA कराने का बताया गया कि भाई HLA करा लें आप लोग, तो पता चले कि आपके दोनों बच्चे जो सलमान और आयशा हैं उनका मैच किससे हो रहा है और किसने जो है मोरो डोनेट करना है। अब बात आई कि हमारे पास एक सिबलिंग में हमारी एक सिस्टर, उनका हमसे मैच ना हुआ। हैप्लो उस टाइम पे तो सवाल ही नहीं था कि माँ बाप से मैच करवा के हैप्लो करवाया जाता हो। ये 98 की बात बता रही हूँ मैं आपको, 98-99 में हैप्लो का सवाल ही नहीं था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 100% मैच डोनर जो होते थे उनको ही कंसिडर किया जाता था। अब स्टार्ट हुई जर्नी कि भाई अच्छा फर्स्ट कज़न मैं वो कर लेते हैं, फर्स्ट कज़न्स में देख लेते हैं। सिस्टर मैच नहीं हुई, वालदेन का सवाल पैदा नहीं हो सकता था, और जो हमारे कज़न्स थे फर्स्ट कज़न्स वो भी हमसे मैच नहीं हुए। अब और मज़े की बात जो मैं आपको बताऊं कि हम दोनों बहन भाई 100% मैच थे। हम दोनों आपस में थैलेसीमिया मेजर भी थे, और आपस में ही हम लोग दोनों मैच भी हो गए थे। अब हम दोनों तो एक दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते थे। फिर हमें इंडिया में जब हमने बात की तो पता चला कि इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री होती है। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री के अंदर हमारे HLAs को मैच करके डोनर्स ढूंढे जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और लकीली मुझे और सलमान को दो डोनर मिल गए। इटली और जर्मनी से दो डोनर मुकम्मल तौर पे मैच थे। फिर हमें जो है वो जर्मनी और इटली से हमें डोनर्स मिल गए। अब डोनर्स का तय हुआ कि या तो वो पेमेंट लेंगे या वो फ्री आएंगे या वो ट्रैवल करेंगे इटली और जर्मनी से, क्योंकि टू बी वेरी फ्रेंक बहुत सारी बारीक डिटेल्स होंगी जो मुझे याद नहीं होंगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे 10-11 साल की थी, और बदकिस्मती से वालिद हयात नहीं है इसलिए काफ़ी सारी बातें मैं वेरीफाई भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इतना सेंस था कि क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो फिर बात हुई कि अच्छा जी कि डोनर जो है वो डोनेट करेंगे और कोई पेमेंट नहीं लेंगे, जो भी सिलसिला बना, और आप इंडिया ट्रैवल करना शुरू करें। हम जो है वो इंडिया ट्रैवल हमने स्टार्ट कर दिया। हमारी फैमिली जो है वो इंडिया ट्रैवल की, और सारा वो जो एम्बेसी का सिलसिला वगैरह उस टाइम पे तो इतनी खैर अलहमदिल्ला कोई मुश्किलात नहीं थी।
तो जो है हमने ट्रेवल स्टार्ट किया एंड वी वेंट इंडिया, मद्रास चेन्नई, और वहाँ हमने 3 महीने स्टे किया। इस दरमियान में हमारा बोन मैरो होना था चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल, और वहाँ के उस टाइम पे BMD के जो हेड थे वो थे डॉक्टर ईश्वर। फिर वहाँ हमारा असेसमेंट स्टार्ट हुए, हमारे रेगुलर चेकअप स्टार्ट हुए। इस दरमियान में मतलब वो रेगुलर डोनर्स के साथ भी रबते में थे, और वहाँ पे और भी फैमिलीज आ रही थी पाकिस्तान से और दूसरी जगहों से भी जो डोनेट जो वो करवा रही थी बोन मैरो। लेकिन उन सब में एक बात थी कि उनके पास फुल मैच डोनर्स थे, और हमारा केस ऐसा था कि हमारे पास डोनर नहीं थे। और 99 के अंदर हम दोनों बहन भाइयों का जो है वो बोन मैरो का एस्टीमेट 25 लाख के लगभग दिया गया था कि आपका रहना और फॉलो अप और सब कुछ 25 लाख में हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन हम अरेंज करके जा चुके थे। और 3 महीने हम वहाँ रुके, 3 महीने में मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स भी हुए, डॉक्टरों से मिलना, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स भी हो रहे हैं, और आयरन को भी देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन इस दरमियान में हुआ ये कि डोनर्स बैकआउट कर गए। डोनर्स ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। इवन कि हमने उन्हें कहा कि ठीक है, वी विल बी विलिंग टू पे, हम पे करने को भी तैयार हो चुके थे। और फिर उस बात पे बात आई कि डॉक्टर ईश्वर ने कहा कि नहीं, आपकी एक जो बेटी है वो 10 साल की 11 साल की हो चुकी है, और जो आपका बेटा है वो 13 साल का है, तो इसलिए हम और फर्दर को रिस्क नहीं लेना चाहते, और एक तो डोनर्स ने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो इट्स रियली बेटर कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएं। और इस तरह से हम 3 महीने बाद पाकिस्तान वापस आ गए। खुदा की मसलियत थी या जो भी था, डेफिनेटली हर काम के पीछे अल्लाह ताला की मसलियत होती है, हम वापस आ गए। और मेरे फादर ने जो है हमें कहा कि उस टाइम पे कि इटली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इटली पायनियर है BMDs में, तो कहा कि आप चले वहाँ बोन मैरो करवा लेते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हम डोनर भी देख लेंगे, इंटरनेशनल जो डोनर रजिस्ट्री है हम दोबारा उसको अप्रोच करेंगे। तो लेकिन वी सेट के नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अपनी लाइफ से मुतमईन हैं, तो इसलिए हमने वहाँ जाने से मना कर दिया। एंड मैं नहीं जानती कि इसके अंदर कोई अल्लाह ना करें कोई रिस्क था या कुछ था या जो भी था, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सोचा था, जो हमारे लिए प्लान किया था वो हुआ। और जो माँ बाप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं कराया, तो उसके लिए ये मैं पूरी वीडियो आपको बना के बता रही हूँ कि हमने इस वजह से नहीं कराया या इस वजह से नहीं हो सका। वरना अगर मेरे बहन भाइयों में कोई सिबलिंग होता, कोई मैच होता, और या फिर कज़न्स वो जो है वो मैच कर जाते या वो डोनर्स आ जाते, तो डेफिनेटली सिनेरियो को बिल्कुल ही डिफरेंट होता इस टाइम पे। लेकिन वो नहीं आए और नहीं हो सका, तो ये सारी बातें हैं। और अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, जो माँ बाप पूछ रहे हैं, जो टेंशन में है, तो उनके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में अब बहुत सारे इदारे कर रहे हैं बोन मैरो, और 80 से 90% वो आपको सक्सेस रेट्स भी बताते हैं। और 99 पे तो हैप्लो भी नहीं था, आज के ज़माने में हैप्लो भी आ रहा है और हैप्लो भी हो चुका है, और कितने लोग करवा चुके हैं हैप्लो। तो अगर आपका बच्चा 10 साल से नीचे है तो डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई करें। हाँ, लेकिन आजकल जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो 25 से लेके 40 लाख तक का ये जो है वो सारा खर्चा आता है, और साथ में फुल मैच डोनर या माँ बाप, इनसे डोनेट करवाया जाए मोर। और पाकिस्तान में जो इदारे काम कर रहे हैं, आगा खान हो गया, NIBD हो गया, पिम्स है, शिफा है, आर्म फोर्सेस है, अकबर नियाजी हॉस्पिटल है, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ जाके और आप ओपिनियन लें, आप वहाँ मिलें, आप एक से सेटिस्फाई ना हो आप दूसरे के पास जाएं। देखिए, सेकेंड ओपिनियन लेना हमारा हक है, तो बिल्कुल आप डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके ओपिनियन लें, और जहाँ आप सेटिस्फाई हो वहाँ करवाएं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, वसाइल दिए हैं, तो आप पाकिस्तान में नहीं करवाएं, आप बाहर जाके करा लें, आप इंडिया जाके करा लें, आप तुर्की जाके करा लें, आप इटली जाके करा लें। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया जाके कराए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुर्की जाके करा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं जो तुर्की से करा चुके हैं। तो ये तो आपके पास बहुत सारे माशाल्लाह ऑप्शन हैं। देखिए, रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व है। जो मुझसे सवाल पूछा गया कि आपने क्यों नहीं कराया, क्या ये रिस्की है, तो रिस्क देखिए 98 में भी था, 99 में भी था, 2021 में भी है, रिस्क तो इन्वॉल्व है। और रिस्क तो देखिए, हम जो ट्रांसफ्यूजन लेते हैं उसमें भी है,
रिएक्शन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, एक्स वाई जी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप सब कुछ को देखकर डॉक्टर से मशवरा करके, और सबसे बड़ी बात आपके बच्चे की हेल्थ देखी जाती है, डोनर की हेल्थ देखी जाती है, उसके बाद ये फैसला किया जाता है। तो अल्लाह पे तवक्कल करके और बेहतरीन से बेहतरीन होमवर्क करके उसके बाद ये स्टेप उठाएं और ज़रूर अपना अपने बच्चों का इलाज करवाएं, क्यों नहीं करवाएं। 10 साल से नीचे का जो है वो पॉसिबल है, आप ज़रूर करवाएं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से जो माँ बाप बहुत टेंशन में थे कि आयशा ने क्यों नहीं करवाया बोन मैरो, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। कोशिश करूँगी कि और बहुत सारे टॉपिक्स पे इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। कोई और भी अगर सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, लव हिज़।